प्रॉब्लेम होता प्रिया मला फॅन लागेल एक फॅन एक परतण्यासाठी आणि एक कोणीसाठी दोन दे एक ह्याच्यातच फोंडी करेल एवढं मस्त वॉक करायला रस्ता आहे तुमच्या इकडे छोटा. हेलो गर्ल्स, आज हम लोग यहाँ पे इंस्टेंट बना रहे चटनी जो आप इडली के साथ खा सकते हो. तो आज हम लोग इंस्टेंट चटनी दिखा रहे हैं आपको. प्राची कुलकर्णी ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. तो आज हम लोग इंस्टेंट चटनी बना रहे हैं. चटनी के लिए हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. ये ड्राई कोकोनट है, उसके बाद मराठी लोग इसे पंढरपुरी डाल कहते हैं, चना फ्राई किया हुआ चने की दाल है ये, यस फुटाने की दाल. ये ऑलरेडी रोस्टेड होती है. उसके बाद यहाँ पे कोरिएंडर है, फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिली. साली फक्त रेसिपी पटकन टाइप करून टाक ना. उसके बाद यहाँ पे कड़ी पत्ता है, करी लीव्स है, ड्राई रेड चिली है, तड़के के लिए मस्टर्ड सीड्स है, उड़द दाल है, सॉल्ट है. तो मैंने रेसिपी टाइप नहीं की है क्योंकि क्लास चल रहा है हमारा यहाँ पे. तो किसी को अगर पॉसिबल है, पूनम सैनी, हम लोग आज यहाँ पे इंस्टेंट ड्राई चटनी दिखा रहे जो आप कोई भी चटनी के साथ, कोई भी ड्राई चीज़ों के साथ खा सकते, चपाती के साथ, इडली के साथ. मैं चटनी दिखा रही हूँ आप लोगों को आज. क्लास स्मिता अमेजिंग के क्लास में है हम लोग, स्मिता अमेजिंग क्लास में है. लास्ट वीक हम लोगों ने इंस्टेंट कैसे करना है पास्ता दिखाया था, वाइट पास्ता. तो आज यहाँ पे इंस्टेंट आपको मैं चटनी दिखा रही हूँ. चटनी है, ड्राई चटनी है, आप किसी के साथ भी खा सकते हो. आप इसे इडली के साथ खा सकते हो, डोसे के साथ खा सकते हो, और फुल्ला तुल लगती है. बहुत ही ईजी है करना. रेसिपी नहीं मिलती है तो अगर किसी को पॉसिबल है. अगर पॉसिबल किसी को है तो कोई यहाँ पे राइट डाउन करना. कौन लाइव में देख रहा है, आवाज आ रही तो का मजा बगा. हाँ, तो बराबर है. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यूज किया है यहाँ पे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट. डेसिकेटेड कोकोनट इजीली मार्केट में मिलता है. डेसिकेटेड कोकोनट की जगह पे मैंने जो नारियल होता है, गीला वाला नारियल, उसका ड्रायर नारियल मिलता है, मैगी कंपनी का फेमस है, तो मैंने वही वाला नारियल लिया. ये गीला वाला नारियल है, जो फ्रेश नारियल होता है उसका पाउडर है ये. मैंने यूज़ किया है 1 कप. उसके बाद आधा कप, इसे मराठी में हम लोग पंढरपुरी डाल या फुटाने कहते हैं, हिंदी में रोस्टेड चना दाल, जो ऑलरेडी रोस्ट होती है और ऑलरेडी कुक होती है, ये वाली ये कुक है. मराठी में इसे हम लोग फुटाना या पंढरपुरी डाल कहते हैं. ये आधा कप है. आप जो होटल में खाते हो इडली के साथ, मैं वही चटनी दिखा रही हूँ. ग्रीन चिली एज पर चॉइस, आप जितना तीखा खाते हो उतनी ग्रीन चिली. उसके बाद मैंने यहाँ पे कोरिएंडर यूज़ किया है, मैंने सिर्फ आधा कप इतना ही मैंने फ्रेश कोरिएंडर लिया है. करी लीव्स है यहाँ पे, एज पर चॉइस आपको जितना चाहिए. और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है. बहुत ही इजी है, इंस्टेंट है. थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि आप इसे बना के आराम से फ्रिज में रख सकते हो. ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ इसे आपको फ्रिज में रखना है. तो सबसे पहले मैंने ग्रीन चिली ली है, इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे. साथ साथ इसके अंदर मैंने कोरिएंडर भी डाला है, सॉरी करी लीव्स डाले हैं मैंने.
अजून लागेल करी पत्ता आपल्याला, करी लीफ एज पर चॉइस, कोरिएंडर डाला है मैंने आधा कप, फ्रेश कोरिएंडर है मैं, और सबको मैं यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ विदाउट ऑयल डाले, क्योंकि ये आपको सेव करना है, इसे आप बना के रख सकते हो आराम से फ्रिज में, ये 3 मंथ तक रहती है। तो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से भुनेंगे। हाँ तो किला दूसरे खाने तू दर से खा, ग्रीन चिली आपको जितनी चाहिए, हम लोग यहाँ पे चटनी बना रहे, इंस्टेंट ड्राई चटनी, आप जो जैसे होटल में जाते हो वहाँ पे जो चटनी मिलती है, ये वही चटनी बना रही हूँ मैं, जस्ट इसके अंदर हमें पानी डालना है आपकी चटनी के लिए। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली लिया है, मैंने फ्रेश कोरिएंडर लिया है, करी लीफ लिया है, और इसे मैं सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, मॉइस्चर निकालना बहुत ज़रूरी है तो ही ये सेव होंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद अगर आपके घर में धूप आता है तो आप इसे धूप में रख सकते हो, फ्रेश कोकोनट यूज़ कर सकते हैं। देखो ये इंस्टेंट है और आप इसे बना के रख सकते हो, अगर आपने फ्रेश कोकोनट यूज़ किया तो आप बना के कैसे रखोगे, फ्रेश कोकोनट 2 दिन में ख़राब हो जाता है, उसके अंदर से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। चना डाल रही है, ये जो है ये इंस्टेंट है और इसे आप बना के, ये प्रीमिक्स है, ये चटनी का प्रीमिक्स है, आप इसे बना के रख सकते हो। तो नारियल, अगर मैं फ्रेश नारियल लूँ तो मैं इसे प्रीमिक्स नहीं कह सकती हूँ, आप इसे बना के आपके फ्रिज में आराम से 3 मंथ तक स्टोर कर सकते हो। आज हमारा प्रीमिक्स का क्लास है, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स का। ये ऑलरेडी रोस्टेड चना डाले, उसके बाद ये फ्रेश नारियल का चूरा है, डेसिकेटेड कोकोनट में भी 2 टाइप्स आते हैं, ये जो है ये फ्रेश नारियल का चूरा है। बहुत ही सिंपल है करना। उसके बाद थोड़ा सा इसे मैंने, सारी चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट किया है, सॉल्ट 1 टीस्पून इतना सॉल्ट डाला मैंने, सबको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं। गैस बंद कर दिया है, बहुत सारा रोस्ट नहीं करेंगे, हल्का सा ही इसे रोस्ट करेंगे। अभी इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद फिर इसे हमें मिक्सर में चर करना है। प्लेट घिसी है तो इसे ठंडा रूम टेम्परेचर पे लाएंगे और उसके बाद फिर मिक्सर में डाल के इसे हम लोग अच्छे से पीस लेंगे। फ्रेश कोकोनट यूज़ करें तब भी रोस्ट करना है? देखो ये फ्रेश कोकोनट नहीं है, फ्रेश कोकोनट अगर आप यूज़ करोगे तो आप इसे रख नहीं सकते हो, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स में अगर आपने फ्रेश डाला तो इसे रखना पॉसिबल नहीं होगा, ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसे इसे ठंडा करेंगे और इसे मिक्सर में डाल के अभी इसमें हमें तड़का डालेंगे, जैसे चटनी में तड़का डालते हैं वैसे। तो तड़के के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है 2 टेबलस्पून ऑयल, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, बस 2 टेबलस्पून इतना काफ़ी है। हिंगल लगे थोड़ी सा, ऑयल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून उड़द दाल लिया है, करी पत्ता डाला है मैंने, ये तड़का है जो हमें चटनी के ऊपर से डालना है, सूखी लाल मिर्ची है,
चना दाल वॉश करके डाला है। चना दाल हमारा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हींग 1 टीस्पून। चना दाल जो होता है ना, ये रोस्टेड चना दाल है। मराठी में हम लोग मराठी में उसे पंढरपुरी दाल कहते हैं, या फुटाना चूड़ा में डाला जाता है, जो फ्रेश चूड़ा दिवाली में जो आप चूड़ा बनाते हो इसमें भी डाला जाता है ये। तो ये चने की दाल जो रोस्टेड होती है ये इजीली आपको मार्केट में मिलती है। मराठी लोग हमें उसे फुटाना कहते हैं या पंढरपुरी दाल कहते हैं, ये वही थी। हल्का सा ही रोस्ट किया था मैंने क्योंकि ऑलरेडी वो रोस्टेड होती है। मिक्सर के जार में सारी चीज़ें डालना है हमें, जो ठंडी करने हमने रखी थी, जो अभी मैंने आपको ड्राई रोस्ट करके दिखाया था इसे ठंडा करना है। और फिर इसे मिक्सर में, ये देखो ये जो चना दाल है ना ये रोस्टेड है, राइट, दलिया बोलते हैं। दलिया नहीं बोलते उसका, एक्चुअल में दलिया कहते हैं मराठी, मराठी में डाळा बोलते हैं। दलिया ये थोड़ा सा अलग है, दलिया तो वो गेहूं का है। हाँ, दलिया नहीं कहते हैं, डालिया कहते हैं उसको, डालिया डालिया ना, डालिया कहते हैं, डालिया डिमांड यस इजीली मिलता है। ये रोस्टेड होता है, जो चने की दाल, जो चना आता है रोस्टेड चना, उसका छिलका निकाल के ये बनाया जाता है। ये सारी को मैंने मिक्सर में डाल दिया। क्या बोलो, तिक्खा बनाओ, तिक्खा अभी मीठा का है ना। पानी नहीं डालना है, ये प्रीमिक्स है, बस मिक्सर में डाल के इसे हमें चल कर। मिक्सर में एक तो फाइन पाउडर करेंगे, ये जिंजर नहीं डालना है, ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप जिंजर डाल सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ये डालना है, गार्लिक डालना है, तो गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून डाल, गार्लिक पाउडर डालो ना हाफ टी स्पून, गार्लिक पाउडर मैं डालती हूँ इसमें हाफ टी स्पून, क्योंकि ये प्रीमिक्स है। प्रीमिक्स के अंदर ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करनी है जो पाउडर फॉर्म में है, तो इसमें जिंजर गार्लिक नहीं डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालती हूँ हाफ टी स्पून। शोधा शो देगा तेरा, हाफ टी स्पून ही डालना, ये लो ये वाला हाफ टी स्पून। मेरे पास गार्लिक पाउडर है तो मैं उसके अंदर हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड करती हूँ। फ्रेश गार्लिक नहीं डालेंगे क्योंकि प्रीमिक्स है ये, तो अगर आपने प्रीमिक्स में गार्लिक डाला, जिंजर डाला, तो ये सेव नहीं होगा, आप इसे नहीं रख सकते हो। पानी नहीं डालना है, विदाउट पानी डाल के ही, विदाउट पानी डाले बिना इसे मिक्सर में हमें चर करना है। ये जो तड़का बनाया था, तड़का एकदम ठंडा करेंगे और फिर ऊपर से आपको प्रीमिक्स में ऊपर से डाल देना है। मिक्सर का आवाज आ रहा है, चर्न हो रहा है मिक्सर में ये। ये जो हम लोग ने अभी चटनी बनाई थी ये प्रीमिक्स फॉर्म में है, आप इसे बना के आराम से रख सकते हो। ये दरवाज़ा लगने ना हाथ पड़ी हो, ये फ्रिज के अंदर आराम से 3 मंथ तक रहती है। बस जब भी आप इसे यूज़ करोगे, आप जब इसे यूज़ करोगे, सिर्फ पानी के पानी डालना है इसे, बस आपकी चटनी रेडी। इंस्टेंट चटनी है और जैसे आप होटल में खाते हो उससे बहुत बढ़िया बनती है। देखो कितनी ईजी है, घर में फ्रेश नारियल ले लो, फिर उसके अंदर सारी चीज़ें डालो और फिर वो 2 दिन में ख़राब हो जाती है। ये देखो ये हमारी ऐसी बनी, ये ड्राई फॉर्म में है, आप इसे आराम से रख सकते हो। फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रहेगी बिल्कुल भी, तो ये आपको फ्रिज में ही रखना है, इतना याद रखना। 2 मिनट का वक्त, इसे हमें फ्रिज में ही रखना है और विदाउट पानी डाले हुए इसे मैंने मिक्सर में
पीस लिया है। ये चटनी इतनी बढ़िया है कि आप इसे इडली के साथ, डोसे के साथ खा सकते हो। अभी जो हम लोगों ने तड़का बनाया था, ये तड़के को हमें बस ऊपर से डाल देना है। तड़का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ पे एसी लगा हुआ है तो ये ठंडा हो गया है। आप जब घर पे बनाओगे तो तड़के को ठंडा करना है और इसके अंदर डाल देना है। पानी की बाटी से हमारी बाटी पर ले, देखो कितना इंस्टेंट है इसे बनाना। और ये इतना बढ़िया बनता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने प्रीमिक्स से चटनी बनाई है। बस आप इसे एयरटाइट डब्बे में डाल के या जिपलॉक के बैग्स आते हैं उसके अंदर डाल के फ्रीज में आराम से 3 मंथ तक इसे स्टोर कर सकते हो। ये हमारी इंस्टेंट चटनी रेडी, ये चटनी रेडी हुई है। ये पाउडर फॉर्म में है। देखो अब इसे कैसे बनाएंगे। बनाते वक्त आपको जितना खाना है उतना, तो समझो मुझे इतना ही खाना है, 2 तो मेरे 2 चम्मच इतनी चटनी प्रीमिक्स ले लिया, थोड़ा सा इसका जो तड़का है ये भी ले लिया साथ में, पानी। अगर 2 चम्मच आपने प्रीमिक्स लिया है तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच इतना पानी। अभी खाने वाले पे डिपेंड है कि उसे थिक पसंद है या उसे लिक्विड पसंद है। इंस्टेंट फटाफट वाली चटनी रेडी। दही भी डाल सकते हो चाहिए तो, दही डाले ताक तकला तो जा सकता है चटनी। देखो हमारी चटनी यहाँ पे ये रेडी हो गई। ये इंस्टेंट है, तड़काच्या तेलामुळे चटनी खराब नाही का होणार? बिल्कुल भी नहीं। तड़का अगर आप आचार बनाते हो तो आचार के अंदर तड़का डाला जाता है ना, तो थोड़ी ना आचार खराब होता है। ये तड़का प्रोटेक्शन है आपके चटनी के लिए। रिव्यू भी देती हूँ आपको खा के कैसे बना है। ये इडली वाली चटनी है। आप इडली, डोसा या कोई भी अच्छी बनी है, इसको नहीं दिखना है कैमरे में लेकिन अच्छी बनी है उसने कहा, तो ये इंस्टेंट है, आप ज़रूर बनाओ। बस इसे, ये जो बनी है ना ड्राई फॉर्म में, इसे आपको फ्रिज में रखना है, इतना याद रखना। इसे अगर आपने ओपन रखा तो 3 से 4 दिन इतना इसका शेल लाइफ है, उससे ज़्यादा ये नहीं रहेगी। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इसे बस आपको फ्रिज में एयरटाइट डब्बे के अंदर या आजकल जिपलॉक के बैग्स आते हैं उसके अंदर डाल के फ्रिज में स्टोर करना है। 3 मंथ तक ये आराम से रह सकती है। अब जब इसे बनाओगे रूम टेम्परेचर पर लाना है और बस इसके अंदर पानी मिक्स करना है। पानी की जगह पर आप पतला वाला छाछ भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हो, जिसे बटर मिल्क कहते हैं, अब वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये चटनी आपकी ऐसे बनेगी, इंस्टेंट और फ्रेश। खाते वक्त लगेगी कि ये फ्रेश ही है, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने पाउडर फॉर्म में बनाई थी चटनी और फिर उसे पानी डाल के बनाया। तो ये बहुत ही इंस्टेंट है। तड़का डालकर फ्रिज में स्टोर कराइएगा। ये तड़का डाल के मैंने दिखाया, देखो ये वाला जो है ये तड़का डाल के बनाए। तड़का डालने के बाद इसे ठंडा होने दो और फिर इसे फ्रिज में स्टोर करो। फ्रिज का कौन सा सेक्शन मध्ये ठेवायची, खाली का वरती फ्रीजर? फ्रीजर में भी रख सकते हो इसे। फ्रीजर में तो आराम से आपकी 1 साल तक रहेगी क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा माइनस में होता है, लेकिन अगर नीचे फ्रिज में रखी तो 3 मंथ, और ज़्यादा क्वांटिटी पे बना रहे तो फ्रीजर में रखो। फ्रीजर में आराम से 1 साल तक रहती है। गर्म और नॉर्मल पानी ऐड करना है? नॉर्मल पानी। देखो फ्रीजर में रख रहे हो या नीचे फ्रिज में रख रहे हो, तो जब भी आप ये बनाओगे ना तो 10 मिनट पहले बाहर निकाल के रखना, ये रूम टेम्परेचर पर आएगा, उसके बाद उसके अंदर आपको पानी ऐड करना है। मैंने अभी सादा नॉर्मल रेगुलर पानी ऐड किया है। रेसिपी डाल दी, देखो रेसिपी पोस्ट की है, क्लास चल रहा है हमारा, इसके लिए मैंने रेसिपी नहीं टाइप की थी, लेकिन जो जिन्होंने देखी है वो रेसिपी अगर टाइप करके डाल देंगे कमेंट बॉक्स में तो आपके पास रेसिपी आ जाएगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मैंने यहाँ पे 1 कप यूज़ किया था ड्राई कोकोनट। मार्केट में 2 टाइप के ड्राई कोकोनट्स आते हैं, एक आता है डेसिकेटेड कोकोनट, और जो मैंने अभी यूज़ किया था ये जो था ये फ्रेश नारियल का ड्राई फॉर्म में था, यानी फ्रेश नारियल लेकिन ड्राई फॉर्म में, मैगी कंपनी का इजीली मिलता है। मैंने इसे 1 कप यूज़ किया था। आधा कप मैंने रोस्टेड चना दाल यूज़ किया था। रोस्टेड मतलब मराठी में जिसे पंडरपुरी दाल कहते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला था। मैंने आधा कप चॉप करके मैंने यहाँ पे धनिया, फ्रेश धनिया लिया था, ग्रीन चिली
आपको जितनी चाहिए तीखा आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून यूज़ किया था यहाँ पे ड्राई लहसुन गार्लिक का पाउडर। सारी ड्राई चीज़ें जैसे मैंने अभी दिखाई थी मैंने ड्राई रोस्ट किया था, ठंडा किया था मिक्सर में, मैंने उसे हल्का सा चर्न करके पीस लिया था। और उसके बाद मैंने एक तड़का बनाया था, तड़के में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने मोहरी जिसे हम लोग राई कहते हैं राई डाली थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा हींग डाला था, उड़द दाल डाली थी और सूखी लाल मिर्ची डाली थी और करी पत्ता डाला था। गैस बंद किया, तड़के को ठंडा किया और मैंने प्रीमिक्स के अंदर मिक्स कर दिया। ये प्रीमिक्स है, ये आपकी फ्रेश कोकोनट चटनी नहीं है। अब इसे बना के फ्रिज में 3 मंथ तक स्टोर कर सकते हो। जब भी आपको इसे यूज़ करना है, किसी के साथ भी खाना है, पराठे के साथ या इडली के साथ डोसे के साथ, बस इसे रूम टेम्परेचर पे लेके आओ, पानी मिक्स करो, आपकी चटनी रेडी। खाता ना परत गर्म के लिए तो खराब होएल का? बिल्कुल नहीं, मैं इसे गर्म कहाँ पे कर रही हूँ, मैंने इसे गर्म नहीं किया था, मैंने ठंडा रेगुलर वाटर जो नॉर्मल नल का पानी है वही डाला था। फ्रिज से बाहर निकालो, रूम टेम्परेचर पे लेके आओ और फिर इसके अंदर पानी डालो। तो आज हम लोग ने इंस्टेंट में आपको चटनी दिखाई थी। क्लास हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट का क्लास है, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स है जिसके अंदर अभी मैं प्रीमिक्स बना रही हूँ। जैसे अभी आपको ये प्रीमिक्स दिखाया था, इससे बहुत सारे प्रीमिक्स हमारे आज के क्लास में बनेंगे। कल हॉलीडे है हमारा, फ्राइडे बेसिक टू एडवांस केक क्लास है और उसके बाद सैटरडे हमारा मास्टर ब्रेड का क्लास है। अगर आपको ब्रेड सीखना है, हेल्दी ब्रेड करना है, ब्रेड में हम लोग बहुत सारे ब्रेड बनाते हैं, डोनट्स है, बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा है, गार्लिक ब्रेड है, लादी पाव है, सैंडविच लोफ है, ये सारा क्लास हमारा सैटरडे है। और जिसके ऊपर हम लोग ने फ्री वाला क्लास रखा है पफ एंड पेस्ट्री का, जिसमें वेज पफ होते हैं, खारी बिस्किट्स होती है, वो क्लास हमारा सैटरडे है। संडे हमारा वसई में जो रुचकर मजवानी फेम अर्चना ताई है उनके घर में हमारा वसई में फर्स्ट क्लास है, तो वहाँ पे सिर्फ 7 सीट्स ही अवेलेबल है। अगर आप वसई साइड में रहते हो या वेस्टर्न साइड में रहते हो, क्लास करना है तो वसई में अर्चना ताई के घर पे क्लास है। नेक्स्ट वीक हमारा वेनसडे, ट्यूजडे को हमारा हेल्दी टी टाइम केक का क्लास है, वेनसडे हमारा फॉन्डेंट का क्लास है और नेक्स्ट संडे 3 जनवरी के हम लोग ने बुकिंग स्टार्ट कर दी है बेसिक टू एडवांस केक क्लास के। तो अगर आपको कोई भी क्लास में एनरोल करना है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो, आपको ऑनलाइन क्लास करना है, तो आप मुझे 7506832879 ये नंबर पे व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हो। आज के लिए बाय बाय।